फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ चीज ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बच्चों की तो फेवरेट डिश है ये। चलिए शुरू करते हैं चीज ब्रेड रोल की रेसिपी बनाना। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 150 ग्राम मोज़रेला चीज लिए, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप इस तरह से ग्रेट करके रख लें। अब इसमें मैं एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। बच्चों की पसंदीदा चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, इससे इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। एक चम्मच चिली फ्लेक्स, दो कटी हुई हरी मिर्ची। आप हरी मिर्ची आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अगर पसंद है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। कटा हुआ हरा धनिया, आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इन सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। देखिए, मैंने चीज का इस तरह से एक डो बना के रख लिया है, आप भी इस तरह से डो बना के रख लें। अब इसकी हम छोटी छोटी बॉल बनाते हैं। देखिए, इस तरह से इसकी बॉल बना के रख लें। ऐसे मैं सारी बॉल बना के रख लेती हूँ। देखिए, मैंने चीज की बॉल बना के रख ली है। अब आगे बताती हूँ क्या करना है। एक बाउल लेंगे, उबले हुए आलू लिए हैं मैंने तीन, इनको मैंने अच्छी तरह मसल के रख लिया है। बाउल में डाल लेंगे इनको। अब इसको साइड में रख देते हैं। ये मैंने ब्रेड की स्लाइस ली है, इसका ब्राउन वाला पार्ट होता है, ये मैंने निकाल लिया है और इसका मैंने पाउडर बना के रख लिया है। इसका मैंने इधर ये पाउडर बना के रख लिया है। अब हम क्या करते हैं, एक बाउल में पानी लेंगे और इस ब्रेड को अच्छी तरह इसमें डीप करके ऐसे भिगो लेंगे और इसको अच्छी तरह से इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसका सारा पानी निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल इसका पानी निकाल के जो मैंने एक बाउल में आलू रखे उसी में रख लेंगे इसको। ऐसे ही मैं सारे गीली करके ब्रेड और इनका पानी निकाल के रख लेती हूँ। देखिए, मैश करे हुए आलू हैं और ये जो ब्रेड जो पानी में से गीली करके निकाली है, इनका पानी मैंने बिल्कुल निकाल लिया है। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालते हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। इसका भी हम इन चीजों को अच्छी तरह ऐसे देखिए ऐसे मिक्स करके डो तैयार करना है इसका। ब्रेड और आलू का जितना डो है इसके हिसाब से हम नमक डालेंगे इसमें। देखिए, मैंने आलू का और ब्रेड का डो बना के रख लिया है। अब हम क्या करते हैं, हाथ पे हल्का सा ऑयल लेते हैं। इस तरह से हाथ में ऑयल लेंगे, दोनों हाथों में लगा लेंगे ऐसे और इसकी अब हम लोई बनाते हैं। देखिए, इस तरह से देखिए ऐसे लोई लेंगे और इसको हम ऐसे हाथ से उंगलियों की मदद से बड़ा कर लेंगे थोड़ा लोई को। ये देखिए मैंने बना लिया है। ये देखिए, मैंने इसकी लोई बना के और इसको इतना बड़ा बना लिया है। अब हम चीज की बॉल लेंगे, इसको यहाँ रखेंगे इस तरह से और इसको अब हम फोल्ड करेंगे ऐसे। देखिए, ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह बंद कर दिया, कहीं से भी ये चीज की बॉल निकल नहीं रही है। अब हम इसको इस तरह से बनाएंगे। आप इसको कोई भी आकार दे सकते हो। अब जो हमने ब्रेड का ब्राउन वाला पार्ट का पाउडर बना के रखा है उसमें इस तरह से डिप करेंगे, इसको ऐसे लगा लेंगे। देखिए, इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से बना के रख लेंगे। ऐसे ही मैं सारे रोल बना के रख लेती हूँ। अब ये देखिए, मैंने इस तरह से चीज ब्रेड रोल तैयार करके रख लिए। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर कढ़ाई रख लें या फिर पैन रख लें कोई, उसमें तेल डालें और तेल को गर्म कर लें। तेल को मीडियम स्लो गैस पर गर्म कर लें। अब तेल गर्म हो चुका है, अब मैं चीज ब्रेड रोल डालती हूँ इसमें तलने के लिए। गैस को मीडियम स्लो फ्लेम पे रहने दें। तेल में चीज रोल डाल के आधा मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद इनको पलटें। देखिए, इस तरह से पलट पलट के सेक लें अभी ने हम।
देखिए ये अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। प्लेट में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। ऐसे ही मैं सभी को तल लेती हूँ। अब सभी का पसंदीदा स्नैक्स चीज ब्रेड रोल बन के तैयार है। ये खाने में बहुत टेस्टी है, सभी को बहुत पसंद आएंगे। आप भी घर पे एक बार बना के ट्राई करें। मैं बताती हूँ आपको कि चीज कितनी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है इसमें। देखिए अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है इसमें। ऐसे ही आप बनाएं इन्हें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।